निवेदन राधा कृष्णन एक ऐसे किशोर ऑफ स्पिनर का नाम है जो लेफ्ट और राइट आर्म दोनों तरह की बॉलिंग कर सकता है। निवेदन को ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम के लिए चुना गया है। निवेदन की खासियत है कि वो खब्बू बैट्समैन को दाएं हाथ से और सीधे यानी दाएं हाथ के बैट्समैन को लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं। 18 साल के निवेदन को 2022 के ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की 16 सदस्यीय टीम में जगह मिली है। भारतीय मूल के एक और खिलाड़ी 17 साल के ऑफ स्पिनर हरकीरत बाजवा को भी इस टीम में जगह मिली है। इस टूर्नामेंट का आयोजन वेस्ट इंडीज में जनवरी में होना है। निवेदन का नाम इस साल तब सुर्खियों में आया था जब उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने नेट बॉलर के तौर पर चुना था। निवेदन के माता पिता मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं। निवेदन का परिवार 2013 में भारत से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में शिफ्ट हुआ था। मदुरई जिले के रहने वाले निवेदन के पिता अंबू सेल्वन भी कभी तमिलनाडु के जूनियर क्रिकेटर रह चुके हैं। निवेदन को 2019 में दुबई टूर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए अंडर 19 टीम में खेलने का मौका मिला था। उस टूर पर निवेदन ने अपनी टीम की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। इसके बाद निवेदन को न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया दोनों की ओर से अपनी ओर से खेलने का न्योता मिला था, लेकिन निवेदन ने तस्मानिया को चुना। भारतीय उपमहाद्वीप से निकले और दोनों हाथों से बॉलिंग करने वालों की कड़ी में निवेदन नया नाम है। इससे पहले श्रीलंका के कामिंडू मेंडिस, पाकिस्तान के यासिर जान और भारत के अक्षय कर्णेश्वर भी इस टैलेंट के लिए नाम कमा चुके हैं। 2009 में IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले एमी सानूत और विकास चौहान में भी इस तरह की बॉलिंग करने का टैलेंट था। निवेदन के साथ ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम में चुने गए हरकीरत बाजवा का परिवार 2012 में भारत के मोहाली से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ था। हरकीरत के पिता बलजीत मोहाली में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के तौर पर उस टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने मोहाली में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का निर्माण किया था। बहरहाल ऑफ स्पिनर्स की तलाश में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नजरें भारतीय मूल के इन दोनों नौनिहालों यानी निवेदन और हरकीरत के अंडर 19 वर्ल्ड कप में हर मूव पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा।